छत्तीसगढ़ में एक जनजाति ऐसी भी है जिसकी संख्या तेजी से कम हो रही है। इस जनजाति को बचाने के अनेक तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। यह एक ऐसी जनजाति है, बड़ी संख्या में कबरधा इलाके में निवास करते हैं और इस जनजाति को बेगा कहते हैं। अब इसी विशेष पिछड़ी बेगा जनजाति के विकास और उत्थान के लिए भूपेश सरकार एक नई पहल की है। ये पहल बेगा जनजाति के लोगों को समाज से मुख्यधारा से जोड़ने का, मुख्यधारा से लाने का एक जरूरी कदम है और उन्हें शिक्षित भी किया जाएगा, उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। इसे साकार करने की दिशा में शाला संगवारी योजना की शुरुआत की गई है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ आप जिन युवाओं को देख रहे हैं, ये हैं अति पिछड़ी जनजाति बेगा समुदाय के युवा। वे युवा जो अब शाला संगवारी बन अपने ही समाज के युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने कवर्धा जिले में निवासरत बेगा जनजाति के विकास के लिए शाला संगवारी योजना की शुरुआत की। घने जंगलों के बीच रहने वाले बेगा जनजाति के बच्चों को उनके इलाके में समुचित लाभ देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्री मोहम्मद अकबर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार जो कहती है उन्हें पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवासरत अति पिछड़ी जनजाति वर्ग के शिक्षित युवक युवतियों को शिक्षा देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की शुरुआत कबीरधाम जिले से कर दी गई है। इस वर्ग के 50 शिक्षित युवक युवतियों के लिए शाला संगवारी के रूप में चयन कर रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। इन 50 बेगा युवक युवतियों को मिलाकर अब तक 160 शाला संगवारी हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर निश्चित आय के साथ रोजगार मिल रहा है। देखिए, अभी कुल 57 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है। इसमें 50 लोग प्राइमरी स्कूल में और 7 लोगों का मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको चयन करने के बाद उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष करके बैगा समुदाय से, अब तक ये देखने में आया था कि बहुत से लोग इनके समाज से पढ़ लिख के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आज देखने के बाद ऐसा लगा कि समाज में जागरूकता आई है और 57 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया, 50 का वेटिंग लिस्ट भी है। इसके अलावा भी लोग हैं जिनका आने वाले समय में जिनको अवसर मिलना चाहिए, इनको भी समाज की मुख्य धारा में लाना है, काम से जोड़ना है। मंत्री अकबर यह भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन की मंजूरी दी गई है। नए संशोधन के बाद अब DMF की राशि से शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसाधनों की उपलब्धता बनाने, स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने तथा खनन और संबंध गतिविधियों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावी इलाकों के परिवारों के सदस्यों को नर्सिंग, चिकित्सा शिक्षा, इंजीनियरिंग, निधि प्रबंधन, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, शासकीय संस्थाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक शुल्क और छात्रावास शुल्क में भुगतान के साथ ही सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और आवासीय प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने का फैसला लिया गया है। तो पूरे प्रदेश के लिए कहा है, लेकिन कवर्धा जिला नंबर में थोड़ा आगे हो गया पहले का लिए। लेकिन राजनांदगांव जिला में भी मैं खुद वहां का प्रभारी मंत्री हूं, तो मैंने वहां भी कहा है कि इस प्रकार का प्रक्रिया यहां पे भी किया जाए और अन्य जिलों में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हो, ताकि एक समाज का ऐसा वर्ग जो बहुत जमाने से पिछड़ा हुआ है उसको अवसर मिले और उनको देख के बाकी लोग पढ़ के सामने आए। भूपेश सरकार की यह योजना स्थानीय बेगा युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह स्थानीय जनप्रतिनिधियों और शाला संगवारी बनने वाले बेगा युवाओं से जानिए। पहले हम तो पढ़े लिखे बेरोजगार साला पड़े थे घर में, इधर उधर घूमते थे, लेकिन आज रोजगार इनके लिए भले हो, छोटी सी रोजगार मिल गया है, उसमें अब बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। सरकार की योजना से धीरे धीरे योजना धीरे बढ़ाते रहेगा तो ठीक रहेगा।
आज हमें प्रमाण पत्र मिला है साला संगवारी का, तो हमें बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हम अपने भाइयों को कुछ शिक्षा दे सकते, जितना बन सकते उससे ज्यादा हम करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में राज्य सरकार की यह योजना तारीफ के काबिल है। इस योजना से जिन्हें रोजगार मिला है सिर्फ वही बेगा युवा लाभान्वित नहीं हो रहे, बल्कि शाला संगवारी के जरिए समूचा बेगा समुदाय लाभान्वित हो रहा है। कहा जा सकता है कि भूपेश सरकार ने बेगाओं का भविष्य सकारात्मक रूप में संवर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।